लगता है डीके की हरकतों पे अब भी ये नाराज है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आखिर कब तक हम युवराज के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगाते रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं पंकज जी, आखिर कब तक हम अपनी सारी दौलत को यूं ही लुटाते रहेंगे? युवराज और वहिनी साहब दोनों बिना किसी से पूछे सारी दौलत लुटाने पर तुले हुए हैं, जबकि इस दौलत पर, इस प्रॉपर्टी पर हमारा और हमारे बच्चों का उतना ही हक बनता है जितना कि युवराज का। वो दो कौड़ी की लड़की वृंदा, वो जो डिमांड करती है वही नहीं साहब बिना किसी से सलाह मशवरा किए उसकी सारी डिमांड्स पूरी करती जा रही है। युवराज दुखी है तो हमारे सारे त्योहार मातम बन जाते हैं, और युवराज खुश है तो बिना किसी वजह के, बिना किसी त्योहार के हम पार्टियां मनाते। आखिर हमारा इस घर में कोई वजूद है या नहीं? Shut up! Shut up! जो कुछ भी तुमने कहा है आखिरी बार कहा है, अगर दोबारा कहा तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो सुनी रखा हुआ है। एक बात तुम्हारी इस खोपड़ी में डाल लो कि पिताजी ने जो कुछ भी पैसे है, रुपए, जमीन जायदाद है, वो वहीनी साहब के नाम पर इसलिए किया है कि वो सारा का सारा युवराज का है। इसलिए जब तक तुम इस घर में हो सिर्फ और सिर्फ युवराज के बारे में ही सोचोगी, समझे? बहुत सोच लिया, मैं सुनीता नहीं हूं जो चुपचाप बैठ जाऊंगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को इस तरह से वापस नहीं आना चाहिए था। वहां रुककर हम करते तो भी क्या करते? दो बार उस घर में गए, दोनों बार अलग अलग तरीके से जलील किया, चोरी का इल्जाम लगाया हम पर। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि वो मेरे पर्स में अंगूठी नहीं मिली, वरना वो लोग तो हमें जेल में भेज देते। साक्षी कुछ और दिन वहां रहना चाहती थी, मैं ही उसे समझा बुझा कर यहां ले आई, तानी वो लोग हम पर कुछ इल्जाम डाल देते या फिर हमें जेल। लेकिन क्या हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते? वो लोग हम पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं और हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं जीजू, चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन इमोशनल होकर फिर से उन लोगों पर अटैक भी नहीं करेंगे। मैंने इंस्पेक्टर भोसले को बुलाया है, उनके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एक बात तो कन्फर्म है, वो लड़की जो संध्या जैसी दिखती है वो हमारी संध्या नहीं है। आपको पता है जीजू, उन सब के साथ मिलकर उस लड़की ने भी ताई की तलाश लेने के लिए कहा था। लगता है इंस्पेक्टर भोसले आ गए। मैं देखती हूँ। ये घर किसका? ये घर भी मेरा ही है। यहां ग्वालियर में मैं इसे गेस्ट हाउस की तरह यूज करती हूं। कानूनन मैं ग्वालियर नहीं आ सकती ना। आत्री जी, बस थोड़ा इंतजार हो रहा है, बाद आपको इस तरह यहां छुप छुप के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे इज्जत के साथ अपने शहर ग्वालियर में रह पाएंगे, वो भी अपने पति के साथ। आज हमने जो किया, जिस तरह से डीके को फंसाया, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद हो गई है कि बहुत जल्द जागीरदार परिवार रास्ते पर आ जाएगा।
और हम दोनों की जिंदगी सही रास्ते पर। उन लोगों ने सिर्फ मेरी बेबसी देखी, लेकिन अब वो मेरा बदला देखेंगे। अब उनकी घड़ियां वक्त नहीं, पूरा वक्त दिखाएगी। लेकिन हमें एक काम और करना होगा, किसी भी तरह पंकज अंकल को उस घर से, उस परिवार से दूर भेजना होगा, क्योंकि अगर वो वहां से बाहर हो जाते हैं तो डीके को तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। तुम चिंता मत करो संध्या, मैंने उसका ऐसा इंतजाम किया है कि खुद ब खुद शहर छोड़कर भाग जाएगा। अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, और जब बुरा वक्त आता है ना, तो चारों तरफ से आता है, घर, ऑफिस, बिजनेस। हम उन्हें कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे, जहां जाएंगे मुंह की खाएंगे। उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है, और जब तक कुछ समझ पाएंगे तब तक वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। गायत्री जी, जब पाप का घड़ा भरता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब फटता है तो बहुत जोर का धमाका होता है, और इन सब के जीवन में भी ऐसा ही धमाका होगा, हर रोज होगा। डाउट तो मुझे पहले से ही था कि वो लड़की संध्या नहीं, कोई और है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही कैसे दिख सकती है? हाँ, लोग एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, मैंने सुना है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा हुआ इंस्पेक्टर मोस्टली, पता नहीं कैसे उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। आई थिंक थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी की होगी, पर ये तो तय है कि वो लड़की हमारी बहन संध्या नहीं है। इंस्पेक्टर, उसने बाबा की झूठी कसम खाई, ताई और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। हमारी संध्या कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, फिर चाहे वो हम पर कितनी गुस्सा भी क्यों ना हो। क्यों ना हम उन पर केस कर दें, पुलिस से जाकर कहते हैं कि वो हमारी बहन संध्या है ही नहीं। जी नहीं सविता जी, अब वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले भी हम लोग कोर्ट में फेल हो चुके हैं, और कोर्ट ने भी हमें जागीरदार परिवार के बारे में सख्त वार्निंग दी। जब तक हमें उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते।